भारतीय अकाली दल ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। सरकार की हैट्रिक बनाने के लिए अकाली दल ने कई लोक लुभावन वायदे किए हैं। मसलन गरीबों को 25 रूपये प्रति किलो घी और 10 रूपये किलो शक्कर देने का वादा, तो किसानों को 10 घंटे मुफ्त बिजली देने का वादा भी किया गया है। वहीं सूबे के हर शहर को वाईफाई सुविधा से लैस करने का भी वादा किया गया है। जिस तरह से सुबह से देर रात तक लगातार प्रचार कर रही हैं, आप किससे मुकाबला मानती हैं कि अकाली दल बीजेपी गठबंधन का किससे मुकाबला है? देखिए, ऐतिहासिक पंजाब में सिर्फ कांग्रेस और अकाली दल भाजपा गठबंधन का मुकाबला इन दोनों पार्टीज में ही रहा है। हमारी पार्टी अकाली दल भाजपा का गठबंधन एक तरफ होता और कांग्रेस दूसरी तरफ, और ऐतिहासिकली हम जब से पार्टी होने हैं तब से ऐसे हम लड़ते आए हैं। आज हम एक कांग्रेस की एक और बी टीम के साथ, कांग्रेस प्लस बी टीम के साथ लड़ाई लड़ रही है। ये नई जो आम आदमी पार्टी है, ये दोनों मिलके आज अकाली भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। जी आप देखेंगे तो पूरे पार्टियों का पूरा जोर है कि बादल साहब के खिलाफ कौन लड़ेगा, सुखबीर जी के खिलाफ कौन लड़ेगा, मजीठिया के खिलाफ कौन लड़ेगा, भाई आपस में कैप्टन के खिलाफ कौन लड़ेगा और आपस के आप दोनों के खिलाफ कौन है, वो तो बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये दोनों का निशाना सिर्फ अकाली दल की सरकार है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि जिस तरह से जो 10 सालों में जो पंजाब के हालात खराब हुए हैं उसके लिए बादल सरकार दोषी है और उनकी राजनीतिक पारी का अंत करने के लिए वे लंबी में उतरे हैं। जी, उन्होंने अपने लड़के को 2009 में भी हमारे पारिवारिक हलके में भेजा था लोकसभा चोन में कि बादलों को अपने घर के गढ़ से निकाल के मैं बाहर फेंकूंगा, अपने लड़के को यहां से लोकसभा की चोन लड़ाई। तो कैप्टन साहब, पुराना इतिहास थोड़ा टटोल लीजिए, आपके लड़के को पंजाब में सबसे भारी हार बठिंडे से ही मिली थी, तो अब आप आइए लंबी, अपने लड़के का रिकॉर्ड भी साफ कर दीजिएगा, आपकी तो इस बारी जमानत जब्त होगी। हकीकत यह है।